नगर परिषद खनियादाना कर्मचारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। 3 माह से वेतन न मिलने की वजह से समस्याओं से जूझ रहे हैं सफाई कर्मी। जिम्मेदार अधिकारी नदारद, नगर की व्यवस्थाएं भगवान भरोसे। खनियादाना नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों ने मिलकर आज नगर परिषद खनियादाना के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खनियादाना तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। नगर परिषद कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जब वे नगर परिषद कर्मचारी, नगर परिषद अधिकारी या नगर अध्यक्ष के पास जाते हैं तो कर्मचारियों को कई तरह के बहाने बनाकर चलता कर दिया जाता है। सफाई कर्मियों का कहना है कि यदि कोई सफाई कर्मी अपनी वेतन न मिलने से होने वाली समस्याओं को लेकर बहस करता है तो सीएमओ और नगर अध्यक्ष द्वारा उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और तहसीलदार खनियादाना को ज्ञापन सौंपा गया। सफाई कर्मियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे नगर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। क्या नाम भैया? राकेश। राकेश भाई, आज नगर पालिका पे आप लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला है? तनख्वाह के चक्कर में इकट्ठे हुए, भेजे तनख्वाह के दे तो मना करते हैं कि पैसे नहीं आए कहाँ से दें, हैं और ज़्यादा बोलते हैं, धमकी देते हैं कि अपने घर बैठो और नोटिस पकड़ाते हैं कि नोटिस अपना घर बैठो। आपकी तनख्वाह कितने महीने से नहीं मिली है? हमारी तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से। कौन धमकी देता है आपको? धमकी भी अधिकारी देता है, सीएमओ भी देते हैं और अध्यक्ष भी देता है। क्या कहते हैं? अध्यक्ष देता है कि अध्यक्ष पति देता है? अध्यक्ष पति देता है। अध्यक्ष पति, क्योंकि कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ मनोनीत पार्षद था विधायक की तरफ से। श्रीमान, हमारे यहाँ 3 महीने से वेतन नहीं बटा है, कुछ कर्मचारियों का 2 महीने से नहीं मिला है, कुछ का 3 महीने से नहीं मिला है, और जब भी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास ऊपर से फंड नहीं आया है। हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति यहाँ के अकाउंटेंट का बताना है कि हर महीने हमारे पास आती है 12 लाख रुपए, उसके बाद भी हमारी वेतन नहीं बट पा रही है। इसके कारण हमारे सारे कर्मचारियों में थोड़ा सा आक्रोश भी है और सब लोग आपको भी विदित करवाना चाहते थे कि अगर मान लीजिए कल के दिन कर्मचारी अपनी इससे त्रस्त होकर कल काम बंद कर देंगे या कोई दूसरी अन्य कदम उठाएंगे, उससे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम इसमें सभी मीडिया भाइयों का सहयोग चाहते हैं और हमारे कर्मचारी बिल्कुल शांति से अपना एक निर्देश या निवेदन वरिष्ठ अधिकारियों से करना चाह रहे हैं कि अगर हो सके तो हमारी जल्दी से जल्दी सैलरी का भुगतान किया जाए, इतनी सी बात। भुगतान के एवज में मतलब और कोई भी काम बंद नहीं, केवल के तनख्वाह नहीं बंद, मतलब और भी गाड़ियां वगैरह हैं, बाकी सारे काम? मुझे लगता है अगर काम बंद होते तो हमारे यहाँ गाड़ियां अनावश्यक खड़ी रहती या ठेकेदारों के भुगतान नहीं होते। हमारे सफाई कामगारों को जो जरूरी सामग्री दी जाती है जिससे कि उनकी व्यक्तिगत निजी सुरक्षा बनी रहे, 3 महीने से नहीं मिल रही है। ये जैसे दस्ताने हो गए, झाड़ू हो गए, साबुन आवंटित किए जाते थे, ऐसे कितने कर्मचारी हैं नगर पंचायत में जिनको वेतन नहीं मिला? 3 महीने समस्त कर्मचारी। मतलब क्या नाम है आपका? शारदा। क्या मामला है, आप नगर पालिका पे क्यों इकट्ठे हुए सभी लोग? वेतन नहीं दे रहे, मुझे भी ऐसा काम होता है, सीएमओ ने जाकर सीधे डायरेक्ट के कार्यालय में मंजूरी करो, मेरे पास मत आओ। कितने टाइम से नहीं मिली है वेतन? जो 3रा महीना चालू है। 3 महीने से वेतन नहीं मिली, घर कैसे चल रहा है इसमें? चल रहा है, हम मांग चुके खा रहे, दुकान पे जाते, दुकान वाले मना कर रहे हैं हमारे पास नहीं के, पहले दूसरा महीना पर पैसा दियो जब सौदा पानी दें। एक कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? 2 महीने की तनख्वाह नहीं डाल रही है, सावन पे भी ऐसे ही सावन से चल रहा है। क्या वजह है? तनख्वाह नहीं डाल रहे, क्या वजह है? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट कर रहे हैं? जी ठेकेदारों का। ठेकेदारों का पेमेंट करके इनकी तनख्वाह वाले बजट से कर दिया कितने? राम जाने, बजट तो पूरा ही जाता है। नहीं तो आपने सीएमओ से इस मामले में कोई जानकारी ली? जानकारी ली, हम 4 दिन से कह रहे हैं सीएमओ से। उनका कहना क्या है? वे कह रहे बजट आ जान दो, बजट ही बोल रहे हैं, तो तनख्वाह को पता नहीं चल रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा आता है, अभी 30 लाख आया था उसका पता नहीं चला कि इधर गया।